मतलब सोच रहे होगे कि मैं एजेंट कार्टर की तरह ड्रेस होके क्यों घूम रहा हूँ इधर उधर. वेल दैट्स बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट टू वर्क इन अबाउट 1.5 आवर्स. एंड आज मैं सो के उठा तो आज मैंने सोचा यार आज ना मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगा क्योंकि आज काम पे जाना है. तो बट दोपहर होते होते बट थोड़ा टाइम होते होते फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार अभी है मेरे पास 2-3 घंटे है इस चीज़ को करने के लिए. तो मेरी प्रॉब्लम पता है क्या, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 1-2 घंटा ऐसे ही वेला बैठ जाता हूँ और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, या अगर मैं 1 घंटा भी टाइम वेस्ट कर देता हूँ तो मेरे को बहुत गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है कि देयर सो मच शिट दैट कैन बी डन एंड लाइक और मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. तो आई डिसाइडेड इवन दो अगर आज मेरे को काम पे जाना है तो क्यों ना मैं इन 2 घंटों में एक व्लॉग शूट कर लूँ. सो हियर आई एम सिटिंग इन मेलबर्न स्क्वायर. इट्स अ नाइस सनी डे. धूप आ रही है जा रही है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है तो इसलिए मैं बाहर वैसे ही शूट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी. दिस इज़ हाउ जनरली मेलबर्न्स वेदर इज. बट या वेलकम टू एजी व्लॉग्स. Bright light, flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, I'm spazzing. Got him in shot like anaphylactic, ayy. They wanna party, I'm crashing. When I pull up, my little shawty like that's him, ayy. Link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is Disney, clean them up swiftly. वेदर इज़ अमेजिंग. मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है. शुक्र है 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, आज रुक गई. आज थोड़ी धूप आई है बट धूप आ रही है जा रही है, थोड़ा ऐसा ही हो गया मौसम. लाइक आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी बट बादल हैं भी और नहीं भी हैं. तो बट एनीवे आज मैं आप लोगों को एक बहुत स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पे मुझे हफ्ते में 3 बारी जाना पड़ता है मजबूरन. सो कैन यू गाइस गेस वेयर वी आर गोइंग टुडे? एनीवन? नो, मे बी, आई एम श्योर एक दो ने गेस कर लिया होगा बट यस, लेट मी शो यू आज मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ. तो ये ब्लॉग थोड़ा सा एजुकेशनल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के ऊपर. यस, आई एम टेकिंग यू गाइस टू Welcome to MIT Melbourne Institute of Technologies. How are you doing? Good? It's been a while.
This is the library. This is a huge library. I study in Melbourne Institute of Technology, which is located in heart of CBD, somewhere between La Trobe Street and Elizabeth Street. Melbourne Institute of Technology offers various different courses for bachelor's and master's, like information systems, business management, accounting management, project management, and etc. मैं जो कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे कोर्स का नाम है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, विच इज एन आईटी कोर्स. और ये कोर्स, इट इज सिमिलर टू डाटा एनालिटिक्स, बट थोड़ा फर्क वहाँ पे आ जाता है कि डेटा एनालिटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल एंड पे होता है और बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा मैनेजमेंट एंड पे होता है. मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, सो फार इट्स गुड. बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना कॉलेज, और हमारे कॉलेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क रहता है, और यहाँ पे क्या डिग्री एक्चुअली मैटर करती है, कि आपने कॉलेज से डिग्री ली है या आपने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है. आइए जानते हैं इसके बारे में. A university is an institution where students study for degrees and where academic research is done. College is a smaller institution where a bigger university is divided into smaller institution. So that's what college is, where people usually go for their higher education studies. If you ask me what's special about this library, is this library has almost everything for students. This is a silent study area where students can actually sit and study during their exam times. There are high desks over there, and even if you want to work on your projects. So these are the charging points that are available, USB and the power ports. And even if there are other charging points that if you want to work on your project, so you can basically use the library for your projects or for your other things. I'm doing a vlog on college library. Would you be able to tell a few things about the library? Sure, yes. I've only been here a few weeks though, so I don't. Anything that you can tell me. Oh. Anything about the study area, space, or any key features of the library that you want to explain? So, I'm only very new. I've only been here a few weeks, so please bear that in mind when I'm doing this. But I thought I'd tell you about what we call the leisure area. So, these are books that are sort of fiction, non-fiction, things that are, not necessarily textbooks and that sort of thing. So, if you want an opportunity to read something that isn't all your academic stuff, this is probably a good place to come. There's also, we've got games here, we've got Jenga, we've got chess,
whole lot of other things over there as well, DVDs as well, movies and TV series and so forth as well. So it's a good spot to come if even if you're not studying, but you want to come out and take a bit of time out from your studies, you could come and spend some time here with the in the leisure collection. Absolutely. And how often do students use the library? Like, do you see a lot of students using them off studies? Yeah. So this gets used every day, the Jenga. That's probably the thing that gets used most often. I think yesterday somebody was doing a jigsaw puzzle. Which is the first time I'd seen that. But again, I've only been here a few weeks, so obviously I haven't seen a lot just yet. But Jenga is very popular. Jenga never ends up back in the box over there. It's just always there. So, I think people like to come in here and use this space because it's somewhere nice and comfortable where they can come and chill out and, have a bit of a break from the hard work of studying. Thank you so much, Christine. No problem. My name's Emma. Ah. Christine was down there. And she is an amazing librarian. If you guys are coming to MIT, I want you to come and say hello to her. Christine knows more than I do, though, because she's been here much longer than I have been. Thank you so much. I appreciate it. No worries. This is the learning space area which students can use apart from the library. They can use the space to do their work. And you get to use the computers in the university. Yeah, आप use कर सकते हो, यहाँ से आप print भी कर सकते हो, emails कर सकते हो, और जिनके पास laptop नहीं है, जो वो afford नहीं कर पा रहे हैं, वो आके university में बैठ के, sorry, my bad, college में बैठ के अपना काम कर सकते हैं. ये यहाँ का study room है. This is the tutorial room. This is a bigger room of MIT. तो ये MIT का बड़े वाला क्लासरूम जहाँ पे सारे बच्चों के सारे बैचेस जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बैचेस कंबाइन होते हैं तो वो इन बड़े क्लासरूम्स में आते हैं एंड द लेक्चर्स आर यूजली फॉर 2 hours या उससे ज़्यादा और बीच में ब्रेक मिल जाता है बट दीज क्लासरूम्स एंड दीज ऑडिटोरियम्स आर वेल बिल्ट विद स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम्स प्रोजेक्ट्स स्लाइडर्स प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा एंड बहुत सारी अलग चीज़ें हैं. This is a very multicultural environment in this college. और जहाँ तक कि students की बात है, students हर जगह से, majorly Indian crowd यहाँ पे बहुत है, because they offer a lot of different courses, जिसमें students similar background से यहाँ पे आते हैं. These colleges are usually easier to get into, but also there's like thousands of students every semester and every year and every intake, जो यहाँ पे आते हैं to apply for this college. क्योंकि ये कॉलेज कंपैरेटिवली यहाँ की फ़ीस थोड़ी कम है बट जहाँ तक मेरा मानना है डिग्री चाहे यूनिवर्सिटी की हो या कॉलेज की हो आई थिंक एंड ऑफ द डे अ डिग्री इज़ अ डिग्री. मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. चाहे वो आपने एक बड़े कॉलेज से करी हो चाहे वो आपने एक किसी छोटी यूनिवर्सिटी से करी हो आई थिंक हर स्टूडेंट की अपना कैलिबर होता है कि वो इंटरव्यू किस तरीके से और कैसे क्लियर कर पाता है. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आके ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से या डिप्लोमा किसी या डिप्लोमा कोर्सेज करके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि डेलॉयट हो गई या एचपी हो गई उनमें लगे हुए हैं एंड दे क्रैक द इंटरव्यू. सो आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स कैलिबर एंड देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट एंड देयर गोल्स व्हाट डू दे एस्पायर टू डू इन देयर लाइफ. मायसेल्फ यश विमानी. माय नेम इज विपाल. हाय माय नेम इज भाग्य आसवा. Hello, my name is Vanshika Madan. My name is Himanshu Arora. I am myself Chanprit. And I am doing Bachelor's of
networking majors in cyber security. And I'm doing Bachelor of Networking in MIT. And I'm doing Bachelor of Networking in cyber security. I'm doing Bachelor of Networking major in software engineering. And I am doing Masters of Professional Accounting. I'm doing Bachelor's of Networking major in cyber security from MIT. Guys, tell me, what is the thing that you like about MIT yahan pe? Kya pasand hai like MIT ke bare mein? बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है एक तो पहले तो और उसके बाद काफ़ी सारे लोग के व्यूज जानने को मिलते हैं. प्रोफेसर्स आर वेरी फ्रेंडली. ट्यूटोरियल जो होते हैं वो 20-25 बच्चे होते हैं खाली, तो इस हिसाब से टीचर्स के साथ वन ऑन वन हो जाता है. अच्छा, तो ये बेटर है उसके. और कैंपस भी अच्छा है. कैंपस हाँ ठीक है, लोकेटेड इन हार्ट ऑफ सीबीडी. तो एग्जैक्टली, बस वही है कि हमारी बिल्डिंग जो है एमआईटी की वो हिस्टोरिक है. 1920 से है खड़ी. अब पता नहीं कहीं गिर भी नहीं होप कर सकते हैं. बढ़िया बढ़िया. अब कितने साल रह गए हैं यहाँ पे, कितने टाइम में मतलब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, कितना पहला साल है दूसरा साल? अभी तो चालू हुआ है, तीन दिन हुए, दूसरा लेक्चर था आज, दूसरा वीक चालू है अभी. अच्छा, अभी पहले इनटेक में आए हो? पहला इनटेक है. क्या बात है, तू आते फेमस हो गया यार. नाइस नाइस. This is the lunch area where students can sit and enjoy their lunch during their breaks between their lectures. So अब मेरे काम का टाइम हो चुका है, बस 5 मिनट बचे हैं मेरे को अपने काम पे पहुंचने के लिए, तो I have to unfortunately go. I could not show you guys the recreational room which was located on 6th floor, but I will show you guys in the other video where I will tell you about the courses and the course fees that MIT offers. Happening here? Are the streets closed? Just the lights down. Okay. I've never seen so many cops here in one street. Thank you so much for watching, guys. I hope you like the content. 2 घंटे में मैं आपको जितना दिखा पाया उतना मैंने आपको दिखा दिया. कोई भी question, queries या international student के किसी भी चीज़ को लेकर doubt है, please ask me in the comment section. और मेरे को Instagram पे follow कर लो, अंकित _ गहलोत. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तब तक के लिए हैव एन अमेजिंग डे एंड स्टे ट्यून्ड. यू आर वॉचिंग AG व्लॉग्स. बोलना क्या है? तेरा नाम बोल के रखो. एक्शन कुछ हो जो मन करे. फिर से रीटेक.